शिवलिंग पर जल चढ़ाने से काफी लाभ हमको मिलता है, ये सब जानते हैं, इसलिए हम लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल ग्रहण करना चाहिए, पीना चाहिए या नहीं, इस बारे में प्रायः कम लोगों को जानकारी है। जय सियाराम। प्रयाग रास्ते में आपका एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव, आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से, ग्रहण करने से अनेक प्रकार से हमें लाभ मिलते हैं। क्या? शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, इससे आपको तमाम प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को शिवलिंग का चढ़ा जल पिलाने से, और ये 41 दिन तक कीजिएगा, तो 41 दिन तक शिवलिंग पर चढ़ा जल पिलाने से अद्भुत परिणाम मिलते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ा जल पीता है, स्वयं भोलेनाथ उसकी रक्षा करते हैं और वो व्यक्ति कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। जो भी व्यक्ति किसी भूत प्रेत बाधा किसी नकारात्मक शक्तियों से घिरा है, ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पर चढ़ा जल पिलाने से समस्त नकारात्मक ऊर्जा उसे छोड़कर भाग जाती है। आप आजमा करके देख लें। अब दूसरा प्रश्न, शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने की मनाही है। पुराणों में शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद कभी भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद भूत प्रेत के मुखिया चंडेश्वर को अर्पित होता है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या होता है? बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसलिए बेलपत्र ऐसे भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो ये भी आपको अत्यधिक लाभ प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि तो आध्यात्मिक शक्ति भी हो गई और चिकित्सीय गुण तो है ही है। बेलपत्र खाने से चतुर्मास में होने वाली बीमारियों से छुटकारा मिलता है। गैस और अपच जैसी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी बेलपत्र खाना लाभप्रद माना जाता है। अगर कोई स्वप्न दोष की समस्या से पीड़ित है तो ऐसे लोगों को नित्य 5 से 7 बेलपत्र का सेवन करना चाहिए, इससे स्वप्न दोष की समस्या खत्म हो जाती है। मित्रों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्योतिष परामर्श के लिए दिए नंबर पर कॉल कीजिएगा, समय लीजिएगा और विस्तार से चर्चा। पुनः धन्यवाद आप सभी को मेरा। जय सियाराम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।